दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं। उस काम में लगा हूं। मैंने एक बार मेरे ऊपर एक छोटा सा प्रयोग किया था। बर्फ की चार सिल्लियां मंगाई और चारों तरफ लगा के मैं बीच में बैठ गया। थोड़ी देर के बाद मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर बर्फ जैसा ही होता जा रहा है। पैर के घुटने एकदम कड़क हो गए, पांव की उंगलियां कड़क हो गई, हिलाना भी मुश्किल, हाथ पैर की उंगलियां कड़क हो गई। फिर मैंने कहा थोड़ी देर लेट के देख लो, तो लेट गया तो सिर ऐसा ठंडा हो गया जैसे लगे कि बर्फ बांधी हो किसी ने सिर पर। तब मैंने महसूस किया कि मैं तो एक घंटे में परेशान हो गया बर्फ की सिल्लियों के बीच में बैठकर और लेटकर। बेचारे यूरोप वालों का सोचो, जो हजारों साल से बर्फ चारों तरफ है और उसी में बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं, और वही उनकी जिंदगी। यूरोप के लोग एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां बहुत सर्दी का उन्हें सामना करना पड़ता है, और सर्दी भी ऐसी होती है जिसमें 3-3 महीने लगातार बर्फ गिरती रहे, बर्फ सड़कों पर जमा रहे, खेतों में बर्फ पड़ी रहे, तालाबों में बर्फ ही बर्फ दिखाई दे, छतों पर बर्फ हो, गलियों में बर्फ हो, नालियों में बर्फ हो, हर जगह बर्फ। और वहाँ की सरकार का 3-4 महीने तक तो मुख्य कार्यक्रम ही ये है, बर्फ को सड़कों से हटाना। उसके लिए बड़े बड़े बुलडोजर होते हैं, वो बुलडोजर रात दिन एक ही काम करते हैं। यूरोप में कभी भी आप जाएंगे तो सभी घरों में लगभग 2 दरवाजे होते हैं, एक तो सड़क पर खुलता है और एक छत पर खुलता है। ये सड़क वाला दरवाजा जब बंद हो जाता है तो छत वाला दरवाजा इस्तेमाल किया जाता है। कब बंद होता है? कभी कभी यूरोप में इतनी बर्फ पड़ जाती है कि सड़क पर दरवाजे की कुल ऊंचाई के बराबर बर्फ जम जाती है। गाड़ियां जो होती है ना, कारें, वो बर्फ के नीचे दब जाती है, फिर उनको निकालना बड़ा मुश्किल है, और निकल आई तो स्टार्ट होना और भी मुश्किल है। ऐसे हाल उनके हर साल होते हैं। अब मौसम की प्रतिकूलता है वहां पर, भयंकर प्रतिकूलता है, उसी प्रतिकूलता में वो बेचारे हजारों साल से जिंदा हैं। तो उनको जिंदा रहने के लिए 2 तरह के संघर्ष करने पड़ते हैं, एक तो मौसम के साथ, जलवायु के साथ, दूसरा अपनी जिंदगी को टिकाए रखने के लिए, चलाए रखने के लिए। भारतवासी इस मामले में भाग्यशाली हैं कि उनको मौसम के साथ कोई बड़ा संघर्ष नहीं करना पड़ता ज्यादा, यहां तो बड़ा संघर्ष जिंदगी को चलाए रखने का ज्यादा है। यूरोप के जिन नागरिकों को हजारों साल से मौसम से लड़ना पड़ रहा है, वो लोग भी वैसे ही हो गए हैं जैसे उनका मौसम है। उनका मौसम माने ठंडा और भयंकर ठंडा, ऐसे ही वो लोग हैं, बर्फ जैसे ही हो गए। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।